उत्तराखंड में मौसम का सितम जारी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा को रोक दिया गया है। मौसम खुलने के बाद ही यात्रा को अब शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि हेमकुंड में करीब 2.5 इंच तक बर्फ जम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी और भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए कुमाऊं के जिले तथा उनसे लगे हुए गढ़वाल के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा विभाग ने गढ़वाल मंडल के जिलों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है और राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज बौछार होने की संभावना जताई है। इस बीच बड़ा अपडेट ये मिला है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद नैनीताल जिले में 10 अक्टूबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि लगातार जारी बारिश के दृष्टिगत जनपद के शासकीय अर्धशासकीय निजी विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र में 10 अक्टूबर यानी कि सोमवार को अवकाश रहेगा। बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट धीराज सिंह गर्ब्याल ने 10 अक्टूबर यानी कि सोमवार को जनपद के समस्त शासकीय अर्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए हैं और प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक समस्त शैक्षणिक एवं मिनिस्ट्रियल एवं अन्य कार्मिक निर्धारित समय अनुसार अपने अपने विद्यालयों कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे, इसके आदेश भी जारी किए हैं। बताया गया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का अनुपालन न करने पर संबंधित विद्यालय संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड से जुड़े तमाम अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।